हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस स्टडी। आज हम 9th के चैप्टर 8 पर स्टडी करेंगे। 8 चैप्टर जो है हमारा मोशन है, वो हम देखने जा रहे हैं कि क्या है, और अपने डेली लाइफ में सारा रिलेट करके मैं आपको अच्छे से आज एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 8th चैप्टर, मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन बेसिकली चीज़ क्या होता है? चलना। कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ रुकी हुई है, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि मोशन क्या है। मोशन किसी भी चीज़ को बेसिकली चलने को हम बोलते हैं कि वो चीज़ क्या है मोशन में। जैसे कि दिखाते हैं, इन एवरी डे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर एट इन मोशन। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ यहाँ पे रुकी हुई है। मान लीजिए ये स्टेशन है, स्टेशन तो हमेशा रेस्ट पे ही होता है। रेलगाड़ियाँ क्या होती है? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती हैं। ये स्टेशन क्या हो गए? रेस्ट पोजीशन पे हो गए। और जब रेलगाड़ी मूव करती है तो जो ट्रेन्स हैं वो क्या हो गई? मोशन में हो गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट एंड अदर एट इन मोशन। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। इन सब में ये एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे बर्ड्स होते हैं, बर्ड फ्लाई करते हैं, तो वो भी एक टाइप का मोशन है। फिश स्विम, वो भी मोशन है। हमारे जो पूरी आर्टरीज में, वेन्स में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो भी क्या है? मोशन है। कार जो चल रही है वो भी मोशन है। हमारे पूरे, हम अपने पूरे एनवायरमेंट को अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो इस पूरे एनवायरमेंट में जो भी चीज़ चल रही है उसको हम कह सकते हैं वो चीज़ क्या है? मोशन में है। और जो चीज़ नहीं चल रही है वो भी चीज़ क्या है? रेस्ट में है, उसको हम बोलेंगे रेस्ट में है। तो इसका एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो हम चैप्टर के साथ डिफाइन करेंगे और पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपने पास। एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन। आपको पता है कि हमारे पास जो कोई भी, जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, एटम से बनी होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, वो भी रैंडम मोशन में होता है। प्लैनेट पता ही है सबको कि जो सन के आसपास क्या होता है? प्लैनेट रिवॉल्व करता है, ये भी मोशन है। स्टार्स, गैलेक्सी, सब कुछ क्या है? मोशन में होते हैं। वी ऑफ्टन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट इज पोजीशन चेंज विद द टाइम। एक्चुअल में मोशन की डेफिनेशन यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस, अपने पोजिशन को चेंज करता है टाइम के साथ, तब हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे? दैट इज इन मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या है? एक घंटे पहले कोई बॉडी क्या थी? एक घंटे पहले मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर है, एक घंटे बाद कोई बॉडी यहाँ पे पहुँच गई, वही वाली बॉडी यहाँ पहुँच गई, तो मैं क्या बोलूँगी? डिस्टेंस टाइम के साथ, मान लीजिए वो 8 बजे यहाँ पे थी, 9 बजे यहाँ पे थी, तो मैंने टाइम नोटिस किया, 8 बजे वो तो यहाँ पे थी, 9 बजे वो यहाँ पे आ गई। इसका मतलब क्या है? वो बॉडी क्या है? मोशन में। अगर हम किसी, कोई जो बॉडी है अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे वो बॉडी किस में है? मोशन में है। हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इनफर्ड थ्रू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस, कई बार ऐसा होता है कि हम मोशन में होते हैं और हमें वो चीज़ पता ही नहीं चलती। जैसे कि हम अर्थ पे हमें पता चलता है कि हम अर्थ मोशन में, नहीं पता चलता है, हमें लगता है कि हम स्टेशनरी हैं। पर ये बात तो सबको पता है कि अर्थ क्या होती है? रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और अपने एक्सिस पे क्या करती है? वो अराउंड द सन भी रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है। तो इनडायरेक्टली जो अर्थ है वो क्या है? मोशन में। तो ये चीज़ें हो सकती है कि वो मोशन आपको कई बार दिखाई दे और कई बार दिखाई ना दे। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट एविडेंस पर मिल जाते हैं। अब देखिए, अब अर्थ है, अर्थ वो घूम रही है, अर्थ मोशन में, इसका एविडेंस क्या है? कैसे मिलेगा आपको? डे एंड नाइट, है ना, एक्सिस पे घूम रही है, इसकी वजह से वो क्या हो रहा है? डे और नाइट बन रहा है। और मौसम, जो चार हमारे जो मौसम चेंज होता है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी ये किस चीज़ का एविडेंस है कि जो अपनी अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स। अब एयर आपको दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन एयर भी मोशन में होती है। ये आपको कैसे पता चलता है कि जो एयर है वो भी मोशन में? जब आप पेड़ के पत्तों को हिलते हुए देखते हो तब आपको पता चलता है कि जो एयर है वो चल रही है, हवा बह रही है। हम कहते हैं ना हवा बह रही है, कैसे पता चलता है? दूसरी चीज़ों को देख के पता चलता है। डायरेक्टली हमें उस चीज़ को ना दिख रहा हो, लेकिन दूसरी चीज़ों को देख के पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ मोशन में है।
हवा, अगर पत्ते हिल रहे हैं तो हवा मोशन में है, कपड़े हिल रहे हैं अगर मान लो सूखने के लिए हमने बाहर डाले हुए हैं वो हिल रहे हैं तो हम बोलते हैं हवा चल रही है। ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। व्हाट कॉज द फिनोमेना ऑफ सनराइज सनसेट चेंजिंग द सीजंस, ये सनराइज सनसेट ये किस चीज का एविडेंस है कि जो अर्थ है अपने एक्सेस पे घूमती है। चेंजिंग सीजन ये किस चीज का एविडेंस है कि जो अर्थ है सन के आसपास घूमती है। इट इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, यस इफ इट इज ट्रू व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ अर्थ, तो अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं देख लेते कि अर्थ किस टाइप से मोशन कर रही है, मोशन करती है। तो हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बहुत सारी चीजें हम नहीं देख सकते, हवा देख सकते हैं नहीं, लेकिन हवा तो है ना, वो मोशन तो करती है ना, ये चीज तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसी तरह अर्थ भी मोशन में होती है, अपने एक्सेस पे भी और सन के अराउंड भी मोशन करती है, तो ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एन ऑब्जेक्ट मे बी अपेयर टू बी मूविंग वन पर्सन स्टेशनरी फॉर द अनदर पर्सन, आप क्या है जैसे कि आप ना ट्रेन के लेट अस सम टेक अ एग्जांपल, आप ट्रेन के अंदर में हो, ठीक है, तो ट्रेन के अगर खिड़कियां वगैरह सारी बंद है, अगर बाहर की दुनिया नहीं देख सकते तो क्या लगेगा आपको कि ट्रेन के अंदर जो दूसरा आदमी बैठा हुआ है आप दोनों क्या हो, स्टेशनरी हो, रेस्ट पे हो, ना वो बंदा चल रहा है ना आप चल रहे हो, और ये ट्रू भी है, चल तो ट्रेन रही है, ठीक है ना। तो हम एक दूसरे को देख के हमें पता नहीं चलता है कि वो चीज, आप ट्रेन के अंदर एक पर्सन को देखते दूसरे पर्सन, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कोई चीज मोशन में है। आपको कब पता चलेगा, जब खिड़की से बाहर आप देखोगे वो चीजें आपको पीछे जाते हुए नजर आएंगी, तब आपको लगेगा या तो आपकी ट्रेन चल रही है या तो जो बाहर में है वो चल रहा है। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। फॉर द पैसेंजर इन द मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द रोड साइड परसीव द बस अलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग। हाँ, तो ऐसा भी होता है जो पैसेंजर अंदर बैठे हुए हैं, जो वो बाहर देखेंगे चीजें पीछे की ओर जा रही हैं, तब उसको ये रियलाइज होगा कि जो ट्रेन है वो मोशन में है, या तो बाहर में जो चीज जा रही है जैसे कार मूविंग चलती हुई दिखेगी तो आपको उसको पता चलेगा जो कार है वो मोशन में है। हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी रेस्ट, अगर हम अपने पैसेंजर्स को देखते हैं जो उस ट्रेन में ऑलरेडी हैं या फिर बस में, तो वो रेस्ट में दिखेंगे। व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, अब इसे क्या पता चलता है, मतलब कि अगर कोई इसे क्या पता चलता है कि आप दो चीजों को देखे बगैर नहीं बता सकते कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है आप एक चीज देखोगे और एक चीज को देख के आप ये चीज प्रेडिक्ट करोगे जो दूसरी चीज है वो मोशन में है कि नहीं है। जैसे कि स्टेशन है, स्टेशन से कोई गाड़ी जा रही है तो आप बाकी ट्रेन के अंदर आप बाकी चीजें आपको पीछे हुए जाते हुए नजर आएंगी, वो जो चीज पीछे हुए जाते हुए नजर आ रही है उसे देख कर आके आपको पता चलेगा कि ट्रेन क्या है, चल रही है, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए रेफरेंस पॉइंट। और हम रेफरेंस पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइंस में। द मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट मे बी इन स्ट्रेट लाइन, अच्छा हाँ ये मोशन भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऐसा भी होता है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, ऐसा भी होता है वो गोल गोल चल रहा हो, है ना। अदर मे टेक सर्कुलर पाथ, कुछ तो स्ट्रेट होता है और कुछ क्या होता है सर्कुलर पाथ में चलते हैं। सम मे रोटेट अ फ्यू, अदर मे वाइब्रेट, ठीक है, कुछ रोटेशन भी हो सकती है, वाइब्रेशन भी हो सकती है। देयर आर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ऐसा भी हो सकता है कि वो गोल गोल भी चल रही हो और वाइब्रेशन भी हो रही हो, वाइब्रेट करते हुए क्या कर रहा हो वो गोल गोल चल रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इन दिस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू अ सिंपल इक्वेशन, और हम मोस्टली इसमें लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होते हैं वो लीनियर इक्वेशन होता है और उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इन मोशन को हम किस में पढ़ेंगे, दिस चैप्टर वी शैल लर्न डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में मोस्टली पढ़ने वाले, सर्कुलर नहीं पढ़ने वाले, मोस्टली स्ट्रेट लाइन वाले पढ़ने वाले हैं। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ्स, और ऐसी इक्वेशंस को हमने ग्राफ के थ्रू और इक्वेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी देखेंगे। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब कि आप चलती हुई चीज को
आप मैथमेटिक के तौर पे, आप इक्वेशन के तौर पे पढ़ने वाले हो, कोई वैसे ही स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें लीनियर इक्वेशन में आती हैं, तो ये सब पढ़ने वाले हैं। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन सिंपल थ्रू इक्वेशन ग्राफ लेटर। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। अभी हमारे पास ये क्या है, स्ट्रेट वाला मोशन। हाँ जी, अब देखिए ये एक्टिविटी नंबर वन, आप अपने क्लासरूम में देखिए, अगर आप क्लासरूम में बैठ करके अपने क्लास की वॉल्स को देखते हो तो क्या लगेगा, वो रेस्ट पर है, ठीक है। अगर आप क्लासरूम में बैठ करके अपने क्लास की वॉल्स को देखते हो, मान लो आप क्लास की वॉल्स को देखते हो क्लासरूम में बैठ के, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो वॉल है वो क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है, ये आपको रेस्ट पर लगेगा। मान लो आप क्लासरूम में हो और आपने ये देखा तो आपको क्या लगेगा, ये रेस्ट पे है। मान लीजिए आप क्लासरूम में नहीं हो, ये आपके पास अर्थ है, आप आउटर स्पेस में हो, आउटर स्पेस में से मान लो आप अर्थ पे किसी भी चीज़ को देख रहे हो, ये वॉल एक किसी ना किसी बिल्डिंग में तो होगी ना, उस बिल्डिंग को देख रहे हो, तो वो बिल्डिंग आपको क्या होगा, घूमता हुआ दिखेगा, मोशन में दिखेगा। कितनी अलग बात है ना, कि अगर आप धरती पर रह के इसी चीज को देखते हो तो रेस्ट में दिखेगा, और अगर आप उसको आउटर स्पेस में जा करके देखते हो तो वो चीज आपको मोशन में दिखेगी, है ना। मतलब जैसे बस में होता है, अगर हम बस के अंदर बैठ करके बस के अंदर ही किसी पर्सन को देखते हैं तो वो आपको रेस्ट में दिखेगा। अगर उसी पर्सन को आप बस के बाहर से देखोगे, आप बस के बाहर हो और आप बस के अंदर किसी पर्सन को देख रहे हो और बस जा रही है, तो आपको वो पर्सन मोशन में दिखेगा। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। हम पढ़ने वाले इसमें ये होता है रेफरेंस पॉइंट। एक और अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं इसकी, डिस्क्राइबिंग द मोशन, और मोशन में डिस्क्राइब करना है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट, आ गया अपने पास रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। लेट अस अज्यूम अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। आपको अगर किसी भी जगह का डिस्टेंस बता रहे हो तो आप ये बोलोगे, अगर मुझे बोलना हो, आप मैं पूछती हूँ आपसे, आपका दोस्त का जो घर है वो कितने किलोमीटर है, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर। ऐसे नहीं, आप ये बोलोगे कि मेरे दोस्त का घर मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम ये तो बोल देंगे कि आपके फ्रेंड का घर जो है वो 2 किलोमीटर, लेकिन कहाँ से 2 किलोमीटर, है ना, तो वो हमें बताना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा। हम इस स्टेटमेंट को ऐसे बोलेंगे कि आपका जो घर है, आपके घर से आपके फ्रेंड का जो घर है वो 2 किलोमीटर पर है। आपका घर क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं ये बोलूं कोई विलेज है ठीक है, और स्टेशन है, मान लीजिए ये विलेज है आपका और ये क्या है अपने पास, स्टेशन है, तो ये विलेज इस स्टेशन से 2 किलोमीटर, तो ये स्टेशन क्या हो गया, इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। उस जगह से वो चीज़ कितनी दूरी पर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट देख करके ही हम बता सकते हैं कि कब कोई चीज़ रेस्ट पर है और कब कोई चीज़ मोशन में है, ठीक है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ मोशन अलोंग, सो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मोशन है, कोई सर्कुलर मोशन होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के आपको मोशन मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो जो सबसे सिंपल वाला मोशन होता है वो क्या होता है, सिंपली स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। जैसे बस चली जा रही है, ट्रेन चली जा रही है, तो हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ईजिली उसको समझ सकते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। We first learn to describe this by example. पहले हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके। Consider the motion of object moving along a straight path. कोई चीज़ स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, जैसे ट्रेन स्ट्रेट होती है ना, कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीच में कहीं पटरियाँ कर्व नहीं बनाती हैं, obviously कर्व बनाती हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेट मोशन की बात करें, हमने स्ट्रेट वाला ही अभी सोचना है। द पाथ स्टार्ट इट जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एट इट्स रेफरेंस पॉइंट। ये फिगर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि कोई जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट, वो ओ पॉइंट से क्या करती है, चलना शुरू करती है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। लेट ए बी
C represent the point of position of object at different instance. अब वो जो चीज़ है, अब हमने देखा कि वो जो चीज़ है वो कहाँ से चलना शुरू कर दिया है, उसने ये O से चलना शुरू कर दिया है, वो एक बार C पे आता है, दूसरी बार B पे, फिर A वाले पॉइंट पे भी पहुँचता है, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचता है. ये सब सारे क्या हैं, किसी न किसी टाइम पे वो C पे आएगा, किसी न टाइम पे वो B पर, किसी टाइम पे A पे आएगा. ये उसके ना पोजिशंस दिखाई गई हैं. ठीक है, पढ़ते हैं इसको हम. देन लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट इंस्टांस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे. ए बी सी क्या है, उसकी पोजिशंस हैं. अब देखिए, द फर्स्ट एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी. सबसे पहले अगर कोई लीनियर मोशन में चलेगा तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ओ से कोई चीज चल रही है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, सी पर जाएगा, उसके बाद बी पे जाएगा, उसके बाद ए पे जाएगा. ये हम तभी स्पेशली बोल रही हूँ मैं, ये लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके ही जाएगा. ऐसा नहीं है कि पहले सी से सीधा ओ पे बी पे चला जाएगा फिर सी पे चला जाएगा, ये सर्कुलर टाइप के मोशन में आ जाएगा. अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ रहे हैं. देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रिचेस, पहले वो ओ पे गया, फिर सी पे गया, फिर बी पे, देन ए पर. अब वो वापस आना चाहता है तो ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से ओ पे जाएगा, और इस तरीके से वो पूरा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में एक बार ओ से ए तक जाएगा और दूसरी बार ए से ओ तक जाएगा. द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. अब हमें ये बोलना है कि भाई टोटल लेंथ कितना कवर किया है. अब आप देखो, ओ से सी तक जाने में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, बी तक 35 और ए तक 60. यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगा है, 60 किलोमीटर लगा है, और वापस आते समय ए से पहले वो बी तक गया है, फिर बी से सी तक गया है. यहाँ तक उन्होंने सी तक की बात पूछी है. तो जब वो ए से ओ से ए तक जाता है तब उन्होंने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. जब वो ए से सी तक आता है तब कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, 35 किलोमीटर. आप देख सकते हो ए से लेकर के बैकवर्ड से, बैक से देखना है आपने, बैक से देखो आप, ए से लेकर सी तक कितना आ रहा है, 35. यानी 60 प्लस 35, एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 95 डिस्टेंस कवर कर लिया, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है. ओ से ए तक जाने में 60 किलोमीटर, फिर दोबारा बैकवर्ड ए से सी तक आने में 35 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 95 किलोमीटर उसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया. द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओ ए प्लस ए सी, ओ से लेके ए तक का आप ऐड कर दो, फिर ए से सी तक का ऐड कर दो, दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 इक्वल टू 95 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट. अब कोई चीज ओ से लेकर के ए तक गई, ए से सी तक गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट. To describe the distance, we need to specify only the numerical value. अब हमें, अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हमें इसको स्पेसिफाई अगर करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरल वैल्यू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. इसके लिए जस्ट न्यूमेरल मतलब किलोमीटर देख लेना है हमने, जस्ट 10 किलोमीटर में गया कि 15 किलोमीटर गया, ये सब देखने की जरूरत है. डिस्टेंस स्पेसिफाई द ओनली न्यूमेरल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन मोशन. There are certain quantities which describe by specifying only their numerical value. Numerical value of physical quantity is magnitude. अब देखो, numerical value क्या होता है? अब मुझे numerical value क्या होता है? Magnitude होता है. There are certain quantities which describe by specifying only by numerical values. अब देखो, आपको distance बताना है, तो आप distance किस में बताओगे? न्यूमेरिक्स में ही बताओगे ना. आप ये बोलोगे ना 10 किलोमीटर गया है, 15 किलोमीटर गया है, 25 किलोमीटर गया है, तो कुछ क्वांटिटीज को जस्ट हम न्यूमेरिक्स में बता सकते हैं. अगर किसी क्वांटिटी की हम न्यूमेरिक्स में वैल्यू दे रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, एक स्केल है. अब वो स्केल कितनी लंबी है ना, अगर मैं ये बोलूँ एक स्केल है, अब ये स्केल कितनी लंबी है, 15 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो मैं क्या बोलूँगी, इस स्केल का मैग्नीट्यूड क्या है, 15 है. मतलब उस चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मतलब कि
उसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड है, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट होगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। एक स्केल होगी, मैं अगर ये बोलूँ ये स्केल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। अब सी से हम बता सकते हैं भाई ओ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द डिफरेंस वी यू विल न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। अब सी से कोई ऑब्जेक्ट ओ तक गया है, आप क्या करोगे, दिख ही रहा है आपको सी से ओ तक जाने में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है of the object from the shortest distance measured from the initial to the final position of object is known as displacement. Displacement मैं अभी आपको बता रही हूँ क्या होता है। Displacement मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आपको यहाँ पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, directly आप A वाले point पे हो, आपको B point पे जाना है, तो आप directly सीधा जा सकते हो, घूम के जा सकते हो, इस side भी घूम के जा सकते हो, जिधर मर्जी जाना है। पर ए से बी तक जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए ये आपका क्लासरूम है जो मोस्टली यूजर बच्चे करते हैं स्कूल में, ये आपका क्लासरूम है, आपको जाना है वॉशरूम, ठीक है, आपको जाना है वॉशरूम जो आपके जस्ट क्लास के बगल में है, और ये आपका क्या है, क्लास है। तो आपको अगर क्लासरूम से वॉशरूम में जाना है तो आप पता क्या करते हो, आप क्लास से निकलोगे, आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जा सकते हो, लेकिन आपने वैसे ही थोड़ी जाना होता है, आप तो पहले क्लास से निकलोगे इधर उधर, है ना, ये मान लीजिए ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, आप अपने क्लास से ऐसे करके निकलोगे, इधर जाओगे इधर जाओगे, आप ये भी देखोगे इस क्लास में क्या हो रहा है, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, आप फिर इस वाले क्लासरूम में जाओगे, क्लासरूम में नहीं बाहर देखोगे इधर कौन पढ़ा रहा है, उसके बाद जाते जाते इतना सर्कल लेकर के आप वॉशरूम जाओगे, जो तो यूजुअल स्कूलों में होता है बच्चे जो करते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप डायरेक्ट क्लास से निकलो और इस वॉशरूम में चले जाओ, तो ये तो आपकी मर्जी है। पर ये जो मैं आपको डिस्टेंस दिखा रही हूँ, ये रेड वाला जो पोर्शन है, एक आपका डिस्टेंस ट्रेवल ये है और एक डिस्टेंस ट्रेवल ये है। तो शॉर्टेस्ट वाला कौन सा है, शॉर्टेस्ट वाला ये वाला है ना, जो क्लासरूम से आप वॉशरूम में जा रहे हो, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। होप सो आपको क्लियर होगा, और अगर कुछ भी पॉइंट आपको डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है क्या, डिस्टेंस मान लीजिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपकी क्लास यहाँ पर है और ये वॉशरूम है, ठीक है, ये क्या है, वॉशरूम है, और यहाँ पे भी एक क्लास है, यहाँ पे दूसरी क्लास है, आप निकलते हो यहाँ से जाके इधर वॉशरूम जाते हो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए आपको, आप कितना ट्रेवल कर लेते हो, यहाँ पे 50 मान लीजिए आपने 100 मीटर आप चलते हो, 100 मीटर चल के आप वॉशरूम जाते हो, आप यहाँ से भी जा सकते थे, ठीक है, कुछ कदम की दूरी पे था आप जा सकते थे। तो ये जो 100 मीटर है वो है आपका डिस्टेंस, और ये जो 10 मीटर है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट। ये तो डिस्टेंस तो कितना भी हो सकता है ना, जाने का एक जगह से दूसरी जगह जाने का डिस्टेंस तो जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर। तो हर बार जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, अच्छे तो सभी होते हैं, आई मीन कुछ नॉटी नहीं होते, उनकी एग्जांपल भी दे देती हूँ, ये क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास, और ये रहा वॉशरूम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, निकलते हैं और सीधा वॉशरूम में गए, वापस आ गए अपने क्लासरूम में और स्टडी फिर से कंटिन्यू कर दी, तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 मीटर का, तो उनके लिए डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है और डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो, दोनों अलग भी हो सकते हैं। आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आ गया हो, फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज कमेंट।
Can the magnitude, consider the example of the figure A for the motion of object A to O to A, the distance covered by 60 and the, ये जो है numerics में आपको समझाया गया, मैं एक बार फिर से इसमें diagram में बता देती हूँ. अगर कोई O से आपको जाना है B तक, ठीक है, आपको जाना है O से B तक जाना है, पर वो बंदा क्या करता है, O से B तक ना जा करके पहले वो O से A तक जाएगा, फिर A से B तक जाएगा, ठीक है, पर एक्चुअल में आपको O से A तक जाना था. तो O से A तक जाने में उसको 60 किलोमीटर उसने चल लिया, ठीक है, और A से B तक जाने के लिए उसने, A से मान लीजिए अब वो C तक गया है, ठीक है, A से C तक तक जाने उसने 35 किलोमीटर चल लिया, पर उसको जाना कितना था, बस C तक ही जाना था. और मान लीजिए कोई A पर्सन है, कोई पर्सन A है, वो A से शुरू, O से शुरू करता है डिस्टेंस, फिर ऐसे सर्कल होते 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 कहाँ पहुँचता है, सी पर पहुँचता है. उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 95 किलोमीटर. और एक पर्सन है बी, वो क्या करता है, ओ से निकलता है और सीधा सी तक चला जाता है, उसका डिस्टेंस कितना है, 25 किलोमीटर. तो दोनों पहुँच तो सेम ही जगह रहे हैं, दोनों पहुँच, यहाँ से जो बंदा जा रहा है वो भी सी तक पहुँच रहा है और जो ओ से जा रहा है वो भी सी तक पहुंच रहा है, लेकिन जो ए वाला पर्सन है वो लॉन्ग वाले डिस्टेंस से जा रहा है और जो बी वाला पर्सन है वो शॉर्ट वाले डिस्टेंस से जा रहा है. जो ए से जा रहा है उसका 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो बी से जा रहा है उसका 25 किलोमीटर डिस्टेंस है. तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूँगी, जो बी वाला पर्सन है ये दूरी उसके लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और जो ए वाला पर्सन है उसके लिए क्या है, डिस्टेंस. मतलब कि आपका डेस्टिनेशन सेम होगा लेकिन जो आप पाथ चूज करते हो अगर वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो क्या होगा, आपके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा. अगर आप लॉन्ग चूज करते हो तो डिस्टेंस होगा. और ये कई बार इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है. वाइल द मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है. अच्छा, आप एक और चीज यहाँ पे जो आपको बताया गया, मैं पहले आपको समझा दूं. आप ए पॉइंट से आपने शुरू की जर्नी, ठीक है, और ये आपके पास बी पॉइंट है, ठीक है. आप ए से आपने शुरू किया, आप ए से बी तक जाते हो और फिर बी से ए तक जाते हो. मान लीजिए ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप ए से जब बी तक जाते हो तो 5 किलोमीटर चला आपने, बी से ए तक गए तब भी 5 किलोमीटर चला आपने, यानी कि ए से बी तक पहुँचने के लिए आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर. अब बता सकते हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, ए से ए तक जा रहे हो, ए से ए तक जा रहे हो, पहले ए से बी तक गए फिर बी से ए तक गए. ए से ए तक जाने के लिए आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट क्या है. अच्छा, आप बताओ ए से ए के बीच में डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, जीरो. ए से ए जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, पर डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर है. मान लीजिए आप अपने घर से ना बाहर जाते हो, सामान लेने जाते हो, कोई आप लेट अस सपोज कि आप दूध लेने जाते हो, आप गए, ये मान लीजिए आपका घर है और बी आपका, आप गए दूध लिया और वापस अपने घर में आ गए, तो उस टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पे है, तो 5 ये डिस्टेंस उस टाइम आपके पास 10 मीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया है, डिस्टेंस पढ़ लिया है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट, जो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए सेक्शन में. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड.